समय से आई वॉज प्लानिंग टू गो टू सतरेंगा। दिस प्लेस इज कॉल्ड गोवा ऑफ छत्तीसगढ़। और ये कहने के पीछे कारण भी है, इस डैम में होने वाली वाटर एक्टिविटीज गोवा जैसी हैं और इस डैम का तट किसी भी बीच से कम नहीं लगता। सतरेंगा छत्तीसगढ़ में अभी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। सतरेंगा का ब्लू वाटर और सामने दिखने वाला महादेव पर्वत एक ऑसम कॉम्बिनेशन है किसी परफेक्ट लैंडस्केप के लिए। बिलासपुर से गए हम लोग सतरेंगा। बिलासपुर से सतरेंगा की दूरी है 115 किलोमीटर। कोरबा से सतरेंगा जाने वाले रास्ते में रानी झरना भी पड़ता है और इसी रास्ते में आगे देव बहरी वाटरफॉल्स भी हैं। कोरबा से सतरेंगा जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर नज़ारों से भरा हुआ है। इन रास्तों को भी शूट किया है हमने इस वीडियो में। मेरे दोस्तों से मैंने सतरेंगा के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए हम लोग सतरेंगा की प्लानिंग किए। इस वीडियो में आपको मिलेंगे ड्रोन शॉट्स, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मैंने बोट राइड का, और अंडर वाटर शॉट्स भी हैं कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। और ये शुरू होता है हमारा सफर, इंग्लिश का नहीं हिंदी का सफर। सुबह सुबह की चाय और भजिए खाकर बढ़ चले हम सतरेंगा की ओर। सतरेंगा का रास्ता कुछ दूर तक खराब था, पर रास्ते में दिखने वाले नज़ारों से सबकी भरपाई हो गई। दूर दूर तक फैले पहाड़ और रास्तों से दिखते सीन्स, इट वॉज सिंपली ऑसम। पहुंच गए सतरेंगा की एंट्री तक। वहां से कुछ दूर पर था डैम, जहां तक नज़र जा रही थी वहां तक था सिर्फ पानी और एक तरफ था महादेव पर्वत। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बस बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग पहुंच गए पानी में। किसी बीच सी फीलिंग आ रही थी हमको, मानो हम लोग किसी सी बीच पर हैं। कुछ बहुत अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस लिए हैं हमने, अब ज़रूर देखिएगा।
काफी देर तक यहाँ मस्ती करने के बाद हम लोग पहुँच गए बोटिंग करने। दोस्तों ये हम लोग आए हैं सतरेंगा और फिलहाल हम लोग कर रहे हैं बोटिंग। आपने मोटर बोट्स बहुत देखी होंगी यहाँ पे। हम लोग इस बार चप्पू वाली नाव में बैठे और इसका एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत यूनिक है। पीछे जो मेरे पीछे दिख रहा है वो पहाड़, वो है महादेव पर्वत। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और ये बांगो का ही भाग है क्या भैया? एक ठो बूका है सतरिंग, उसके सामने बूका है। ऐसे कौन नौ चलाता है भाई? मोटर बोट से इस बोट की राइड ज़्यादा अच्छी लगी हम लोगों को, क्योंकि इस बोट में आपको ऐसा फील होगा मानो आप पानी से एक हो गए हैं। इस बोट राइड में आपको पीस और कामनेस फील होगी। इस राइड का हर मोमेंट एंजॉय किया हम लोगों ने। हमारी नाव लौटती हुई तट की ओर, सामने जो दिख रहा है वह है महादेव पर्वत। हम लोग मोटर बोट से भी सतरेंगा में घूम सकते थे, पर इस नाव में जो एक ट्रेडिशनल टच है, जो पानी से एकाकार होने की शांति है, वो उस मोटर बोट में नहीं मिलती। तो यहाँ से कितने दूर है आप लोग, आपका घर? अरे पास में ही है। अच्छा रात में भी नाव चलाएं कि नहीं आप लोग? पाँच बजे तक बस ना? नहीं, और अपने लिए खुद के लिए ऐसे मन हो तो जाते हैं आप लोग कभी रात में? अच्छा ठीक ठीक। चलो रे पंटर लो। चलना पॉइंट है सर। दोस्तों इस वीडियो में एक भाग ऐसा भी है जहां मैंने ड्रोन को महादेव पर्वत की हाइट तक ऊपर भेजा है। इस पार्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Thank you.
दोस्तों सतरेंगा के सफ़र की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ हमको एक लोक कलाकार मिले जो बहुत ही प्यारी धुन एक तारे में बजा रहे थे। इस वीडियो में उनकी गाई लोक धुन भी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।